बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सऊदी अरब बेराह रवि का शिकार होकर, मादियत पसंदी का शिकार होकर, अपने बुज़ुर्गों की जद्दोजहद से बेजार होकर और बिल्कुल बेबस हो चुके हैं और उन्होंने दुनियावी रास्ते का चुनाव कर लिया। अब वो तरक्की और खुशहाली के नाम पर इसराइल की गोद में बैठ कर मुस्लिम दुनिया को तरक्की का रास्ता दिखाने का ड्रामा कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात से पहले सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो आप मोहम्मद बिन सलमान की अगर बात करें तो मक्का मौज़मा के ये निगेबान हैं, ख़ुद को उम्मत मुस्लिमा का ये सरबराह कहते हैं। मुसलमानों को इसराइल से सारी ज़िंदगी हो गई है, इन्होंने दुश्मनी का दर्स दिया है और अब वो इसराइल के खुफिया दौरे कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त सऊदी अरब के तमाम हुकूमती अमूर चला रहे हैं। वो खुद कई बार इसराइल के दौरे कर चुके हैं और मोहम्मद बिन जो सलमान के जो इसराइल के दौरे हैं उसके हवाले से 2017 में भी एक दफ़ा खबर लीक हुई थी, लेकिन अब से इसराइली सिक्योरिटी काम ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी वलीहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब तक तल अबीब के कई दौरे कर चुके हैं, जबकि वो खुद और सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमानों को इसराइल के खिलाफ उकसाने और दुश्मनी का दर्स देने में हमेशा पहल करता रहा है। अब से पहले मैंने जैसे आपको बताया कि 2017 में एक इसराइली अहदेदार ने ये इंकशाफ किया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल का सफ़र किया था और वहाँ के आला हुकाम से मुशावरत की थी। ये दौरे इस वक्त हुए जब सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान बज़ाहिर किसी भी तरह के बाज़ाब्ता सफारती ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन अब इन हालात में मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इसराइल के खुफिया दौरों की खबर ने यह तस्दीक कर दी है कि सऊदी अरब के इसराइल से बैकडोर रबते कई सालों से जारी हैं। इसराइली मीडिया अब खुलकर ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली और रियाज की हुकूमतें एक दूसरे के साथ तआवुन करने के बाद के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल के कब्ज़े और फ़लस्तीनियों पर मुजालिम की वजह से, क्योंकि अरब ममालिक की अवाम तल अबीब हुकूमत के मुखालिफ है, इसलिए आज तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान का ख्याल है कि इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाना फ़लस्तीनी अवाम के मकसद से ज़्यादा अहम है। इनके कुछ तहफ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन वो अभी इसराइल से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते। इसराइली अखबार मारियो ने भी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात को तल अबीब से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कायल करने में सऊदी अरब ने क्लीदी किरदार अदा किया है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की मुशावरत और रजाबंदी के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था और ये सिलसिला कई सालों से जारी था। इसराइली सहाफ़ी शमून आरान भी मोहम्मद बिन सलमान के खुफिया इसराइल के दौरे का इंकशाफ कर चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने खुफिया दौरों के साथ साथ इसराइल के साथ कई खुफिया माहदे भी किए हुए हैं। इसके अलावा अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मीडिया ग्रुप अल जज़ीरा भी ये रिपोर्ट कर चुका है कि मोहम्मद बिन सलमान इशारों इशारों में इसराइल को तस्लीम करने का इजहार कर चुके हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी बादशाहत के बदले में ट्रंप को ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करेंगे। क्या ही अच्छा होता कि अरब हुक्मरान अपने ज़मीर और आवाम की आवाज़ पर कान लगाकर पड़ोसी इस्लामी ममालिक के साथ मिलजुल के बैठ के बात करके कोई रास्ता निकालते, इसराइल और अमेरिका को मजबूर करके फ़लस्तीनी मसले का हल ढूंढ के खित्ते में हकीकी और देरपा अमन अमान कायम करने में किरदार अदा करते। अरब हुक्मरान अपने आप को किसी कदर गैर महफूज, गैर मुस्तहकम और कमज़ोर महसूस करते हैं और इनका ख्याल है कि अमेरिका और खित्ते में इसका करीब तरीन इतिहादी इसराइल ही इनकी बका का ज़ामिन है और ये मुसलमानों की बदकिस्मती है। मगर तारीख हमें ये बताती है कि अमेरिका और इसराइल इनकी कमज़ोरियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे अवामी तहरीकें खड़ी की जाएंगी, पड़ोसियों से इनको डराया जाएगा और अपने मुफादात की तकमील की जाएगी और अवाम की आवाज़ पर कान लगाकर पड़ोसी इस्लामी ममालिक के साथ इश्तराक की राहें निकालकर इसराइल और अमेरिका को मजबूर करके जो फ़लस्तीनी मसले का हल ढूंढने की कोशिश हो सकती थी वो इन्होंने उसको, मैं ये कह सकता हूँ कि छुरी तले इन्होंने ज़िबा कर दिया है। और ये वही अरब हैं, ये वही अरब हैं जो जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वो अरब हैं, लेकिन अरब तो हैं,
जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का गलबा करवाया था, और आज ये यहूदियों, अमेरिकन्स और पता नहीं किस किस से और उनकी टेक्नोलॉजी से इतने खाइफ हो चुके हैं कि ये समझते हैं कि अगर हमने आज तरक्की करनी है तो सिर्फ हम इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर कर सकते हैं, वरना हमारी बका का कोई भी जो है गारंटी नहीं दे सकते। दरअसल मसला ये है कि यहाँ पर बादशाहत है, और मुल्क बचाने से ज़्यादा इनको अपनी बादशाहत बचाने का डर है, और ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे मुआशी तरक्की हो रही होगी तो इनकी बादशाहत भी बची रहेगी, वरना इनकी बादशाहत को बहुत बड़ा ख़तरा है। वरना मुझे पता है कि खाना काबा मक्का मौजमा की जो सरजमीन है, मुसलमान उसको कभी भी उसको आँच नहीं आने देंगे किसी भी सूरत। वो अपना मन धन हर चीज़ वार देंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम वहाँ के हुक्मरान तो थोड़ा सा हौसला पकड़ें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना, अपने दोस्तों, इज़्ज़त कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।